हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखो सीखो एजुकेशन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो डॉट गुरु पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में 2021 अक्षय ऊर्जा बाजार अद्यतन जारी किया। रिपोर्ट बताती है कि 2020 में 280 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई थी। 2019 की तुलना में इसमें कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर है 45%। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की थी कि उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों को दुनिया के कितने फीसदी टीके मिलेंगे? तो इसका उत्तर है 83%। यह देश विश्व की 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर, निम्न और मध्यम आय वाले देशों को टीके शब्द का केवल 17% प्राप्त हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन के उपयोग की सिफारिश की है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है विश्वजीत राणे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में के आर गौरी अम्मा का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया है, वे कौन थी? तो इसका उत्तर है, एक पूर्व मंत्री और एक पुराने समय के कम्युनिस्ट नेता थी। गौरी अम्मा का जन्म 14 जुलाई 1919 को अलापुझा जिले में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई। हमारा पांचवा प्रश्न है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान जिसने पृथ्वी पर 2 साल की लंबी यात्रा शुरू की है? तो इसका उत्तर है ओसीरिस रेक्स। अंतरिक्ष यान 2018 में क्षुद्र ग्रह बेनु पहुंचा। इसके बाद इसने अपने चारों ओर 2 साल बिताए और रूबल्स एकत्र किए। रूबल्स ईंट और पत्थरों के मोटे टुकड़े हैं। हमारा छठा प्रश्न है, जनगणना के परिणाम 2020 की जनगणना में चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 0.53% थी। 2010 की जनगणना में यह कितने फीसदी थी? तो इसका उत्तर है 0.57%। चीन की सालाना आबादी दशक के दौरान धीमी हो गई है। हमारा सातवां प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 2021-22 के लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है 2,200-2,500 करोड़ रुपए। एकीकृत विकास मिशन का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र को विकसित करना है। हमारा आठवां प्रश्न है, पुडुचेरी हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसा करने में सफल रहे हैं? तो इसका उत्तर है गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा करने में सफल रहे हैं। हमारा नवा प्रश्न है, हर साल भारत 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस विषय के तहत मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखो सीखो डॉट गुरु वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।